हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रावो गणेश। मेरा नाम है गणेश। तो गाइस, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इमेजेबल लोगो को कैसे यूज़ करना है। गाइस, इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स की एक अलग वीडियो आने वाली है जो आज हम करने जा रहे हैं। आज हम इसमें एक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। हम इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, तो शेप्स बना सकते हैं और हम इसमें कलर्स फिल नहीं कर सकते, ये इसकी अच्छी बात नहीं है। तो आज हम बनाने वाले हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपको पहले डालना पड़ेगा एफ डी, मतलब एफ डी का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड। फिर आपको स्पेस देना है और फिर 100। मैं 100 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर बना रहा हूँ। ये 80 सेंटीमीटर्स नहीं है, 80 सेंटीमीटर से छोटे। मैं तो हम स्टेप्स बोलेंगे। मैं 100 स्टेप्स का स्क्वायर बना रहा हूँ, 100 स्टेप्स का स्क्वायर बना रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा कि हर साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। और तो उसके बाद हम राइट टर्न लेंगे, और राइट टर्न लेने के लिए हमारा कमांड है RT, मतलब राइट, RT 90। हम 90 डिग्रीज को टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं ये टर्न हो गया। तो ना ये रिपीट करेंगे FD 100 RT 90 FD 100 RT 90, जब तक ये पूरे स्क्वायर नहीं बन जाता। तो फिर से तो गाइस, इसमें ना आपको ना कमांड डालने के बाद स्पेस देनी होती है, स्पेस देनी होती है, और फिर आपको बताना होता है आपको कितने सेंटीमीटर्स का, मतलब कितने स्टेप्स का वो करना है। तो अभी हम फॉरवर्ड फिर से 100 जाएंगे, क्योंकि हमने पहले 100 स्टेप्स का किया था, 100 स्टेप्स का किया था, और स्क्वायर में साइड्स इक्वल होती है। तो हम इसको रिपीट करेंगे फिर से RT 90 करके। अब देख सकते हैं ये टर्न हो गया। फिर से हम फॉरवर्ड FD 100 करेंगे। मैं गलती से FD डालना भूल गया, सॉरी, FD 100। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये और 100 स्टेप्स आगे हो गया। तो हम फिर से इसको RT 90 करके टर्न करेंगे और फिर से FD 100 करके आगे करेंगे। और अब गाइस, आप बोलोगे कि हम ना इसको टर्टल कहते हैं, क्योंकि आपको ट्रायंगल दिख रहा है। इसको इमेजिनरी लोगों की लैंग्वेज में टर्टल कहते हैं, और इमेजिनरी लोगों एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसको टर्टल कहते हैं, इस ट्राइंगल को। तो आप सोचोगे कि इस टर्टल, ये टर्टल तो हमारी ड्राइंग ख़राब कर रहा है। आप इसमें और भी ड्राइंग्स बना सकते हैं, ये तो सिंपल है बहुत। तो ये टर्टल तो हमारी ड्राइंग ख़राब कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है HT, इसका फुल फॉर्म है हाइड टर्टल। तो आप देख सकते हैं टर्टल हाइड हो गया, वैनिश हो गया। हम अगर आपको शो वापस टर्टल को ड्राइंग लाना है, तो आप HT वो का फुल फॉर्म है शो टर्टल करके वापस इसको स्क्रीन पर ला सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसको हाइड ही लेने दूँगा, क्योंकि इसे अच्छा लगता है, इसे अच्छा लगता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा स्क्वायर बन गया। अभी मैंने छोटा बनाया है, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। और इसके इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। स्टेप्स की मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा, वो आपको 1 या 2 वीक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीवन एंड स्टे सेफ। बाय बाय।